दोस्तों नमस्कार, ZLS News के नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से लेटेस्ट न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपका भी SBI में अकाउंट है तो दोस्तों, यदि कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, अगर आपको एक मैसेज भेजा जा रहा है तो दोस्तों आप उसे मैसेज को इग्नोर करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं इस वीडियो में लेटेस्ट न्यूज क्या है, वीडियो की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी ये मैसेज आया है, आप इस मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। अगर आप इसको मैसेज को इग्नोर न कर इस पर ध्यान दें तो आपको KYC के लिए कहा जा रहा है। अगर दोस्तों आप इस महीने के लास्ट तक अपनी KYC नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपका ये बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। जितना आपका बैलेंस है वो सब आपके बैंक अकाउंट में फंस जाएगा, यानी कि आप उस बैंक अकाउंट में से पैसे नहीं निकाल सकते जब तक KYC नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको एक KYC कराने का क्या प्रोसेस है, KYC कराने का सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपको दो फोटो ले जाने जिसमें आपका SBI में अकाउंट है, वहाँ जाकर आपको बैंक कर्मचारी से कहना है हमें KYC करानी है। तो दोस्तों आप उनसे कह देंगे तो वो KYC आपकी चंद सेकंड में कर देंगे। दोस्तों यही सिंपल सा प्रोसेस है KYC कराने का। अगर दोस्तों आपको कुछ ऐसा इस प्रकार का मैसेज नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, यानी कि आपकी KYC हुई हुई है। तो दोस्तों यही थी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के साथ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।